दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पे दारू का बाप आप कैसे बना सकते हैं। एक तरीका है, ये सामग्री आप मेरे सामने कुछ देख रहे हैं और शायद आपके ये मतलब बिल्कुल 0 रुपए में बन सकता है अगर आपके घर में ये अवेलेबल है तो, नहीं तो आपके गांव में रहते हैं तो आसानी से मिल जाएगा। देखिए, इसको आप देख सकते हैं, मैं निकाल रहा हूँ, ये है बेल। बेल बोलते हैं, श्रीफल बोलते हैं, जो शंकर भगवान को चढ़ाया जाता है, यही ये बेल है। ठीक है, ये बेल है और ये दही है और ये नमक है, ये पानी है। आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ और किस तरीके से इसको बनाते हैं और इसमें क्या क्या मिलाते हैं, कितना प्रोसेस है, पूरा मैं डिटेल्स में आपको बताने वाला हूँ। एक वीडियो मैंने पहले भी बना चुका हूँ, शायद आपको पता नहीं होगा, अगर नहीं जानते हैं तो आप मेरे चैनल पर जा कर के देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम बनाते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा बना करके आपको दिखा रहा हूँ, आप बना लीजिए घर पे, जो है किस तरीके से करते हैं। ये दही है, ठीक है, और ये पानी है, आप देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ, आप मतलब ज़्यादा भी बना सकते हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल सेहत के लिए फ़ायदेमंद है, इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और ये है नमक, स्वादानुसार इसका नमक इसमें आप मिला लीजिए, ठीक है, स्वादानुसार। और ये जो चीज़ है, ये चीज़ इसमें से आप मिला सकते हैं, ये बड़ा ही पेट के लिए फ़ायदा करता है, बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है ये, ठीक है। ये इस तीनों को मिला करके, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस तीनों को मिला करके और इसको थोड़ा सा, अगर पानी है आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास पानी है अब अवेलेबल, मतलब पानी आपके पास उपलब्ध है, तो आपको क्या करना है, इसमें पानी डालना है उतना ही जितना कि ये घुल मिल जाए। और इसको ऐसे मतलब पूरा हिला दीजिए ताकि ये सब मिल जाए। और यदि आपके पास चीनी है, अगर मतलब चीनी के आदि हैं, काफ़ी लोग चीनी नहीं खाते हैं, काफ़ी लोग खाते हैं, तो चीनी वाले जो व्यक्ति हैं वो चीनी भी मिला सकते हैं, इसमें मीठा लगेगा और ये दारू का बाप बन जाएगा। दारू पीने से आपको नशा होता है, इससे पीने से आपको नशा तो नहीं कहूँगा लेकिन मस्ती ज़रूर आ जाएगी। पियेंगे तो एकदम मतलब पेट आपका बिल्कुल साफ़ और ठंडा रहेगा। जो आप बाहर पीते हैं ना, लस्सी वगैरह चाहे कुछ भी, तो वो उतना फ़ायदा नहीं करता है, लेकिन ये जो है कभी भी आपका गैस्ट्रिक वाला रोग होने नहीं देगा, ये वाली चीज़ आपको गैस नहीं बनेगा। और जो मतलब लीवर ख़राब नहीं होगा, लीवर के लिए फ़ायदे है, दारू है तो आपको नुकसान करता है ना, लेकिन ये लीवर के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद है। ये मैं बता दे रहा हूँ, ये जो बेल है, ये जो दही है और ये नमक है, और चीनी भी मिला सकते हैं, और मिला करके और ऐसे मतलब फेटा करके ऐसे ढाल ढूल के इसको एकदम मिला लीजिए। जितना ज़्यादा मिलाएंगे उतना ज़्यादा, जितना खट्टा दही होगा उतना ज़्यादा आपको मज़ा आएगा पीने में, और मीठा रहता है तो उतना मज़ा नहीं आता, खट्टा वाला दही जो है वो मज़ा आता है पीने में। और ये चीज़ आप पी करके देखिएगा, ये सच में दारू का बाप है। आप भले ही आपको कैसा विश्वास होना हो मेरे बातों पर, लेकिन ये दारू का बाप है, ठीक है। अरे यार, दारू आप पीते हैं तो उससे तो नशा होता है, उस तो सिर्फ आपका किडनी फेल, पता नहीं क्या क्या ख़राब करता है, लेकिन ये जो चीज़ है ये कुछ ख़राब नहीं करेगा, ये फ़ायदा करेगा, ठीक है। हम लोग पीते हैं, गांव में देहात में जो रहते हैं लोग वो भी पीते हैं और पी करके स्वस्थ रहते हैं। इससे एक एनर्जी, एक ताकत मिलता है, न कि आपका लीवर और किडनी ख़राब होता है दारू पीने से, जो होता है वो चीज़ इसमें नहीं है। मैं टाइटल पे इसलिए लिखा हूँ ताकि लोग, नशा वाले जो लोग हैं, अगर ये करेंगे तो उनको मज़ा भी आएगा, जो नशे में मज़ा मिलता है वो मज़ा इसमें भी मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा, और ये स्वस्थ रहेंगे और उनको कोई दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होगी और बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यार मेरे, अगर बात वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग वीडियोज आपको देता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फिर मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये आइडिया कैसा लगा आप मुझे बताइएगा, और पी करके देखिएगा दोस्त, आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये, बहुत फ़ायदा करेगा, ठीक है। क्योंकि ये सिरफल है, ये भगवान का दिया हुआ फल है, इसको खाने से यार बहुत बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, ये गाँव में आसानी से मिल जाता है और बिल्कुल कम पैसे में, 0 के आसपास में आप ये सब कुछ बना सकते हैं, घर पे आराम से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।